वाली G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। महज 9 घंटे की यात्रा पर जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान सम्मेलन में कहा, कोविड के बाद की दुनिया में एक नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत बताई है। उन्होंने यह भी कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री बुधवार की शाम को दिल्ली से जकार्ता के लिए रवाना हुए थे और गुरुवार की शाम को दिल्ली वापस लौटा। गुरुवार की सुबह आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। इसके लिए जरूरी है कि हम कोविड महामारी के बाद नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। उन्होंने कहा, मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के साथ ही डिजिटल बदलाव, व्यापार और आर्थिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। मोदी ने सम्मेलन में कहा, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना सभी के साझा हित में है। उन्होंने आगे कहा, भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमें आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारे साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। इंडोनेशिया के साथ भारत के पुराने संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी साझेदारी चौथे दशक के प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान सम्मेलन को शेयर करना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इस सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, पिछले साल हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारी आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान केंद्रीयता और हिंद प्रशांत पर आसियान के रुख का पूर्ण समर्थन करता है। नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी एक्सलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। इसी तरह देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज NCR के साथ।